अलैकुम, कैसे हैं YouTube फैमिली। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ खुद से और मेरे नए चैनल से। मेरा नया चैनल है रिस्पा ब्लॉग्स के नाम से और मेरा नाम रिस्पा है। तो ये मेरा वेरी फर्स्ट ब्लॉग होगा जिसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर सैयद ट्रेन का विज़िट टूर। तो साथ साथ आपको भी विज़िट करवाऊंगी और साथ साथ आपको इंजॉय भी करवाऊंगी। तो आई होप आपको मेरा ये न्यू चैनल पसंद आएगा। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू, सी यू सून। फिर आपको मिलवाती हूँ ट्रेन में। बताना तो मैं भूल ही गई कि हम इस्लामाबाद टू कराची का विज़िट करें। तो हमने सर सैयद एक्सप्रेस हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने सोचा आपको भी विज़िट करा दें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं स्टेशन, आप देख सकते हैं उस तरफ ट्रेन है और प्लेटफॉर्म भी है सारे। हम लोग भी वेटिंग में, क्योंकि हम लोग थोड़ा अर्ली आ गए हैं, क्योंकि टाइम हम लोग नहीं चाह रहे थे कि कोई रिस्क लें और टाइम हमें लग जाए रोड्स पे से ट्रैफिक देते, क्योंकि फ्राइडे का डे है। तो हम बहुत आ गए हैं, तो तकरीबन 1 o'clock जो है वो आएगी ट्रेन। तो फिर हम आपको विज़िट कराएंगे अपने कैबिन का, अपनी ट्रेन का, अपनी सीट्स का। तब तक के लिए साथ बने रहें। तो हेलो जी, अभी हमारी ट्रेन चल पड़ी है और ये पूरे 1:30 फिक्स टाइम पर निकली है। तो ओवरऑल अभी हम आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करते जाएंगे कि कैसा रहा क्या है। तो अभी तक हाँ, और एक और बात, हमें इसमें वाईफाई की भी सर्विस अवेलेबल है, फ्री वाईफाई की। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है। एंड सेकेंडली एक चीज़ हम मेंशन करना भूल गए थे अबाउट इसकी प्राइस। तो इसके जो फेयर्स हैं वो शायद थोड़े से हाई हैं, लेकिन क्योंकि अगर आपको इतना कम्फर्टेबल ट्रैवल करना है कराची तक, तो आई गेस ये बहुत ज़्यादा लाइक आप कह सकते हैं कि अफोर्डेबल है। तो इसके एक टिकट का जो प्राइस है वो 9,500 है, यानी अगर आपने ये पूरा कैबिन बुक करना है तो ये ओवरऑल 19,000 के अहेड होगा। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस है, उसमें इतना लग्जरियस चीज़ें भी हैं, सारी फैसिलिटीज़ भी हैं। तो दिखाते हैं फिर आपको कि आगे इसमें क्या क्या है। हेलो, हेलो अगेन, क्या हाल है आप सबके। तो अभी हम आपको विज़िट करवाने वाले हैं अपने कैबिन का। तो ये है सर सैयद एक्सप्रेस का एसी स्लीपर कैबिन फॉर 2 persons। तो चूँकि मैं और मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे थे, जिनसे मैं बहुत जल्द आपको मिलवाने वाली हूँ। तो ये एसी स्लीपर है, फुल एयर कंडीशन है फॉर 2 people और इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो हम आपको विज़िट कराते हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें LCD अवेलेबल है, ये छोटा सा वर्क स्टेशन कह लें या इसको फॉर लाइक फॉर टेबल एज ए यूज़ है। इसके अलावा ये कॉम्प्लीमेंट्री किट्स हैं, इसमें ये हैंड वॉश है, सैनिटाइजर्स हैं, टिश्यू बॉक्स है। एंड ओवरऑल रिव्यू बहुत अच्छा है इसका। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बेड कंपार्टमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑल भी इसका व्यू है आप देखिए, जैसे कि तो सारा ये बोर्ड स्विच ऑन एंड ऑफ का फुल सिस्टम है। इसके अलावा आपका पर्सनल टॉयलेट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो फॉर 2 persons के लिए ये बेस्ट है, आई विल रिकमेंड यू ऑल। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हम आपसे करवाने वाले हैं अपने हस्बैंड का इंट्रोडक्शन, क्योंकि वो ज़रा थोड़ा बिजी थे सामान वगैरह लोड करने के लिए। तो मिलवाते हैं आपको अपने हस्बैंड से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। शुक्र है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम हम इस पे जा रहे हैं सर सैयद एसी स्लीपर में, तो बहुत कंफर्टेबल है 2 persons के लिए। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सब अगर कोई है जो ऐसे प्राइवेसी चाहते हैं, अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये, क्योंकि
तो हेलो जी, अभी जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो टाइम हो गया है कुछ 4:15 और अभी लग गई है हमें भूख, तो घर से ही लेके आए थे। मम्मा ने हमारे लिए बिरयानी दी थी एंड मैंने सुबह विंग्स फ्राई किए थे एंड अभी हम कर रहे हैं लंच। तो और हम झेलम क्रॉस कर चुके हैं अभी, तो हमने सोचा अब लंच कर लें। तो सी यू। तो गाइस, ये हमें सर सैयद वालों की तरफ से अफ्तारी के 2 बैग्स मिले हैं, क्योंकि जो हमने एसी स्लीपर लिया उसमें इनका मील होता है साथ। तो आजकल चूँकि रमज़ान का महीना है तो इन्होंने अफ्तारी के टाइम पे ये मील हमें दिया इस टाइम, जिसमें एक समोसा है और एक जूस का पैकेट है, एक फ्रूट है और ये डेट्स हैं, ये देख सकते हैं आप। तो सर सैयद में आपको ये फैसिलिटी है एसी स्लीपर में, और मैंने आपके साथ शेयर किया था आज का व्लॉग, तो ये व्लॉग बस अब आज का यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपको कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, जिसमें मैं आपको ब्रेकफास्ट और सहरी और आगे कराची तक के लिए आपको उसका विज़िट कराऊँगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।